नमस्कार दोस्तों, मैं धनवंत शुक्ला डीएस फिजिक्स टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के कॉम्बिनेशन पर, उसके संयोजन पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। संधारित्रों का संयोजन, इसमें जो है संधारित्रों का जो संयोजन है, यहाँ से हम देख ले रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, ये दो प्रकार का होता है। जो है संधारित्रों को हम जोड़ने का जो क्रम है वो दो तरह से हम इसमें जोड़ सकते हैं। पहला जो क्रम है वो है श्रेणी क्रम, और जो दूसरा है वह है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या समझते हैं, जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास जो है ये कोई संधारित्र है। आप लोगों को पता होगा कि संधारित्र में दो भुजाएं होती हैं, मतलब दो प्लेट होते हैं, यानी एक कह सकते हैं जैसे हम बैटरी में हमारे पास दो प्लेट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, कुछ उस तरह से होता है। बट इसमें प्लस और माइनस तो नहीं होता है, लेकिन एक का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एक का पोटेंशियल कम होता है। मतलब इसका पोटेंशियल अगर प्लस में है और ज़्यादा है तो इसका उससे थोड़ा सा कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करने के लिए, ताकि तभी तो इसमें जो है मतलब चार्ज फ्लो कर पाएगा और चार्ज इसमें इकट्ठा हो पाएगा। इसके बारे में और जानने के लिए अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये सारी चीज़ें। बट इसके पहले के कुछ वीडियो हैं जिसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा कितना, ये अंदर अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है, वो सारी चीज़ें, और वर्क डन क्या होता है, और इसमें जो कैपेसिटी है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट में वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये संधारित्र है, अब हमारे पास मान लीजिए हम पहला देख रहे हैं, पहला केस है हमारा, पहला केस जो है यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे जो है हमने एक प्लेट लिया हुआ है और इसमें एक प्लेट और लेते हैं, फिर और प्लेट लेते हैं, ऐसे कई सारी प्लेटें हम ले सकते हैं। चलो फिलहाल हम यहाँ पे तीन ही ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कि ये हमारे पास एक प्लेट है, दो प्लेट है और तीन प्लेट है, तीन संधारित्र है। ठीक, अब तीन संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, मतलब एक प्लेट की दो एक संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम अपने इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, मतलब विद्युत स्रोत से इसको जोड़ देते हैं, और इसके दूसरे सिरे को हम दूसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ये देखिए, इसके दूसरे सिरे को, मतलब ये मान लो अगर हमारे पास ए है, बी है और ये सी, ए बी सी तीन संधारित्र हैं, तो ए संधारित्र के एक सिरे को, मतलब पहले सिरे को हमने जो है जोड़ दिया है सोर्स से, लाइट सोर्स से, और दूसरे सिरे को बी संधारित्र के पहले प्लेट के जो पहला सिरा है उससे हमने इस तरह से इसको ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। उसके बाद में इसके दूसरे सिरे को हमने सी प्लेट की संधारित्र से इस तरह से इसको जोड़ दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि, और फिर इसको मैंने कम पोटेंशियल पे रखा हुआ है, मतलब इससे कम पोटेंशियल पर, इधर इधर इसका जितना पोटेंशियल उससे कम पोटेंशियल पर इधर हम रखते हैं। तो इस तरह का जो क्रम होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कहने का ये कि अगर हम इसको इस तरह से समझें कि हमारे पास जो है तीन आदमी है, ठीक है, हमारे पास तीन आदमी है कुछ इस तरह से। अब इसमें ये आदमी जो है, इसका ये पहला हाथ है, ये पहला हाथ है और ये उसका दूसरा हाथ है, और ये इसका पहला हाथ है और ये इसका दूसरा, इसका ये पहला, इसी प्रकार ये सबके हाथ है। तो अब अगर ये पहला आदमी इस आदमी के एक हाथ को ऐसे पकड़ ले और इसका पहला दूसरा हाथ जो है तीसरा आदमी ये वाला ऐसे हाथ पकड़ ले, तो इस तरह का देख रहे हैं कुछ आप व्यवस्था बन रही है, मतलब कहने का उसी तरह से हम यहाँ पर समझें तो ये व्यवस्था जो कहलाती है श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर वही केस हम अप्लाई करते हैं, मतलब पहली प्लेट जो है
पहली प्लेट के दूसरे सिरे को दूसरे प्लेट की पहले सिरे से और दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे को तीसरे प्लेट की पहले सिरे से हमने जोड़ दिया। तो ये जो व्यवस्था है वो ये जो मतलब ये व्यवस्था है वो कहलाती है आपका श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहती हैं, क्या क्या चीजें वैरी करती है। मतलब कहने का ये करंट और पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल कैसे वैरी करता है इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसमें हम देखते हैं जैसे हमारा श्रेणीक्रम संयोजन हुआ तो हम जानते हैं, हम अपने तरीके से आपको इसको बता रहे हैं कि आप जो है इस तरह से इसको ध्यान रखें। मतलब इसमें हम देख रहे हैं एक ही वायर है ना, कुछ इस तरह से ये वायर है, ऐसे एक ही वायर है। तो अगर एक वायर है ठीक है, तो एक वायर में क्या होगा, एक ही करंट होगा, एक ही चार्ज होगा। बस मेरा एक ही करंट होगा और एक ही चार्ज होगा, यानी इसमें जो होगा चार्ज यानी आवेश जिसे हम कहते हैं, आवेश क्या होगा, समान होगा। आवेश जो होगा हमारा वो समान होगा, लेकिन इसका जो विभवांतर है, क्योंकि देखो जब ये सोर्स से हम इसको जोड़ेंगे तो ये पहले लगा रहेगा, तो ये कुछ कैप्स मतलब चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा। आप जानते हैं कि जो संधारित्र होते हैं वो चार्ज स्टोर करते हैं अपने अंदर, तो ये चार्ज को अपने अंदर कुछ स्टोर कर लेगा। उसके बाद में जब ये इधर जाएगा तो ये भी कुछ स्टोर कर लेगा। तो इसके पास जब जाएगा तो कुछ इसने जब स्टोर कर लिया, कुछ इसने स्टोर कर लिया तो इसके पास कम जाएगा। मतलब कहने का जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ से जो हमने पोटेंशियल इसको दिया था वी था, तो इसने भी अपने अंदर कुछ पोटेंशियल एडॉप्ट कर लिया, वो उसे हम V1 कह देते हैं। इसने अपने अंदर कुछ कर लिया V2 कह देते हैं, इसने अपने अंदर कुछ कर लिया V3 कहते हैं। अब इन कैपेसिटेंस की अगर कैपेसिटी जो है उसको हम C1 और C2 और C3 मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा चार्ज होता है वो चार्ज बराबर क्या होता है, कैपेसिटी या चार्ज, हमारा जो चार्ज या कैपेसिटी है दोनों चीजें। तो यहाँ से जो है ये हमारा V1 इसका पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल सॉरी V3 है, तो ये तीनों के पोटेंशियल हो गए। उसके बाद में अब पोटेंशियल देख रहे हैं हम, डिफरेंट है। मैंने अभी आपको समझाया कि पोटेंशियल कैसे डिफरेंट है, पोटेंशियल इसका डिफरेंट है। और इसके अलावा जो है चार्ज, तो चार्ज जो यहाँ रहेगा वही चार्ज यहाँ, वही चार्ज यहाँ, तो चार्ज हर जगह सेम रहेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ से चला है, तो क्यू यहाँ पर भी, क्यू यहाँ पर भी, क्यू यहाँ पर भी। करंट की अगर बात करें तो करंट भी सेम रहेगी, अगर यहाँ से आई करंट चली है, आई करंट अगर चला है तो आई करंट यहाँ भी, आई करंट यहाँ भी, आई करंट यहाँ। यानी हमारा जो बैरी करने वाला क्वांटिटी है वो है हमारा क्या, पोटेंशियल। ठीक है, और इसके अलावा ना तो करंट वैरी करेगा और ना ही आपका चार्ज वैरी करेगा। ठीक है, तो हमारा जो वैरी करने वाला क्वांटिटी है वो है विभव यानी पोटेंशियल, तो ये बदलता रहता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये चीज़, आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो B बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q/C होता है। तो अगर हम अब यहाँ Q/C मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा कि जो मैंने शुरुआत में चार्ज लिया है वो क्यों लिया है। और अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इस पूरी क्वांटिटी का जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध करें सॉरी बोले तो इसमें जो इसका तुल्य कैपेसिटेंस है यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमारा कितना है, उसको हमने मान लिया कि सी है। ठीक है, तो यानी इन सबको हटा करके इसकी जगह पर हम अगर सी कैपेसिटी वाला कैपेसिटेंस लगा देते हैं तो हमारी सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे पहले था वैसे अब भी रहेगा। ठीक है, तो Q/C इज इक्वल टू V1। V1 मीन्स क्या हो जाएगा, V1 हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा चार्ज तो Q है, तो चार्ज हम Q ले लेंगे और कैपेसिटी इसकी कितनी है, C1 है, तो मैंने C1 ले लिया और प्लस V2 यानी इसका इस पर चार्ज फिर से वही क्यू ही है और कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, C2 हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं C2 और इस पर प्लस V3 यानी यहाँ पे फिर से चार्ज वही क्यू है और कैपेसिटी इसकी C3 है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इधर जो है हमारा क्यू सब में कॉमन है, तो हमने क्यू को कॉमन ले लिया है, तो क्यू को जो हम कॉमन ले लेंगे
यहाँ से क्यू कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्यू को हमने कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू अपान सी, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 1/C। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट अगर पहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इसका इसकी जगह पे हम इसको लगा रहे इक्विवेलेंस है, मतलब तुल्य है, ठीक है, इसके लगभग बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सी इक्विवेलेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है और तुल्य धारिता होती है तो वो हमारी कितनी हो जाती है, 1/C इक्विवेलेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दूसरा वाला पोर्शन हम देखते हैं इसका, इस वाले में अब ये जो श्रेणी क्रम था, अब की बार हम यहां पे ले लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में भाई क्या हो जाएगा, यहां पे हम देखेंगे कि हमारा जो है हम कुछ इस तरह की व्यवस्था अरेंजमेंट करते हैं, पर लास्ट में मैंने अभी जो पहले वाला मैंने किया है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने क्या किया था कि एक मतलब कैपेसिटेंस का एक साथ एक कैपेसिटेंस का एक सिरा दूसरे कैपेसिटेंस के साथ दूसरे सिरा से और दूसरे कैपेसिटेंस का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटेंस के पहले सिरे के साथ जॉइंट करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, सभी कैपेसिटेंस के एक सिरे को एक पॉइंट पर, सभी कैपेसिटेंस के एक सिरे को हम एक पॉइंट पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट पर डालेंगे, ठीक है, मतलब कहने का जोड़ेंगे, ठीक। तो अब मान लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटेंस हैं, तो मैंने तीन कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से ले लिया, ये देखिए, ठीक। अब इनके जो है इनके सभी के भाई अलग अलग जो है सिरे होंगे, तो इन सभी के सिरों को मैंने कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने फिर जो है एक सोर्स से और फिर इसको इससे कम पोटेंशियल पर इसको मैंने रख दिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटी को हम मान लेते हैं C1, इसकी कैपेसिटी को C2 और इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को हम C3 कह देते हैं। यहाँ से मैं मानता हूँ कि इस पर पोटेंशियल इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम V मान लेते हैं और इसको जो चार्ज दिया गया है वो Q दिया गया है, तो ये चार्ज Q जो है इसमें सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3, क्योंकि इसमें जो करंट होगी वो भी अलग अलग होगी, I1, I2, I3, ठीक है। तो इसमें जस्ट अपोजिट, वहाँ पर हमने देखा था कि जो पोटेंशियल था हमारा सेम जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो पोटेंशियल, मतलब हम अगर पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो हर एक कंपोनेंट, यही कारण होता है कि जो हम घरों में वैद्युत सर्किट जो व्यवस्था, मतलब घरों में जो कंपोनेंट जोड़ते हैं उनको सबको पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, क्यों, उसका कारण क्या है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो पहले जो कंपोनेंट लगाएंगे उसको ज़्यादा बिजली मिलेगी और लास्ट वाला कंपोनेंट को आपको कम बिजली मिलेगी, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी, है ना, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं ताकि सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सेम पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिए हुए हैं। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है हमने सभी कैपेसिटेंस के जितने भी कैपेसिटेंस, कोई जरूरी नहीं हमारे पास तीन है, हमारे पास 10 हो 20 हो जो कुछ भी है, सबके सिरों को एक सिरों को एक जगह पर और दूसरे सिरे को दूसरी जगह पर, मतलब दो टर्मिनल, भाई देखो हमारा जैसे हम इस तरह से समझ लें कि ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, तो इस तरह से मतलब ये है नहीं वास्तव में, बट हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सभी के एक सिरे को एनोड से, सभी के दूसरे सिरे को कैथोड से जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये थोड़ा सा चार्ज इसका ज्यादा, मतलब इस पर इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है,
क्योंकि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट की सप्लाई नहीं होगी। बात समझ रहे ना भैया? तो इस तरह से जो है हमारा ये, इसको हम इस क्रम में जोड़ते हैं और घरों की जो वायरिंग करते हैं वो भी पैरेलल क्रम में करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर समझने वाली खास बात है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जब इसको हम किस तरह से ध्यान रखें, उसको हम ध्यान रखने के लिए ये चीज, तो मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि एक वायर होता है तो उसमें एक करंट सप्लाई करती है, एक करंट सप्लाई करती है मतलब उसमें एक चार्ज रहता है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल उसका डिफरेंट हो जाता है ना। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, अभी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि I1, I2, I3, तो क्योंकि जो इसमें है वायरिंग है वो एक तार है, एक तार यहाँ से I करंट चलेगा तो I करंट इसमें जाएगा और अलग अलग तार में जाने की वजह से अलग अलग रूप से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो करंट इसमें अलग अलग जाएगा बट पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या चीज हमारी इक्वल है, हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, यानी हम कहेंगे Q, चार्ज Q को अगर हम कहें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, ऐसा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई B होता है, मतलब C इज इक्वल टू Q बाई B होता है, तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV, ठीक है। तो Q की जगह पे हम रख देंगे CV, और C कैसा वाला भाई, इक्विवेलेंस है ये, मतलब इन सबको, इन सब की जगह पे अगर हम एक कैपेसिटेंस यूज कर लें और उसकी कैपेसिटी जो है C हो तो उसे कहेंगे C इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कह देंगे CV, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और सबका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो सबका पोटेंशियल सेम होगा बराबर। अब यहाँ पे Q1 को हम क्या कह सकते हैं, C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से अब हम सब में देख रहे हैं V हमारा जो है कॉमन है तो हम V कॉमन ले लेते हैं, और इधर से हो जाएगा C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, यहाँ से हमने V1 V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब यहाँ से V और V कैंसिल हो गया, यानी C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करते हैं उसमें हमारे जो कैपेसिटेंस तुल्य, कैपेसिटेंस की तुल्य जो धारिता होती है, संधारित्र की जो तुल्य धारिता होती है, वो जितने भी हम इसमें संधारित्र जोड़ेंगे उन सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होती है। देखो जैसा कि एक्सप्रेशन में दिख रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन में दिख रहा है, इसी से चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था कि जो जब हम संधारित्रों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो नया संधारित्र बनता है, मतलब जो परिपथ बन रहा है, उसमें संधारित्र की जो कुल धारिता होती है वो सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। मतलब जो संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम होता है, तुल्य संधारित्र की धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बस समझ में आई ना? तो इस तरह से जो है हमारा ये हो जाएगा C इक्विवेलेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो हम फाइनली जो है लास्ट मतलब न्यूमेरिकल बेस पर थोड़ा सा हम चीज यहाँ पर बोलेंगे आपको, न्यूमेरिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, और आप अगर इस पर अच्छा रिस्पांस देंगे तो निश्चित तौर पर उसको बनाने में मेरा मन लगेगा। बात समझ रहे हैं? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आज डिस्कशन किया पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें दो पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमारे न्यूमेरिकल को एक झटके में हल कर देंगे कितनी भी कठिन सर्किट क्यों ना हो, ठीक है। तो वो दो पॉइंट क्या है हम देख लेते हैं कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में परिपथों को जोड़ते हैं तो उसमें हमारा सबसे प्रमुख चीज क्या होता है कि जो धारा होती है वो समान होती है, मतलब जो धारा होती है वो समान होती है, आवेश जो होता है वो भी समान होता है, लेकिन विभव जो होता है वो सब में डिफरेंट होता है, ये समान नहीं होता। दूसरा केस है हमारा जो समांतर क्रम वाला, तो दूसरे केस में धारा
अलग अलग होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं बता रहा था आपको, धारा अलग अलग होती है, आवेश भी अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है अलग अलग कई तार, इसमें इस तरह से समझ सकते हो भाई कि एक तार था उसमें हमने तीन तार कर दिया तो तीनों में अलग अलग धारा की सप्लाई होगी, बस जाहिर सी बात है, सही है। अब उसके बाद में तीसरा जो पोटेंशियल होता है विभव, ये विभव इसमें सब में समान होता है। तो आई होप दोस्तों यू मस्ट लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।